बड़की चापी स्टेशन में बॉक्साइट डंपिंग यार्ड का भूमि पूजन राज्यसभा सांसद ने किया। लोहरदगा जिले के बड़की चापी रेलवे स्टेशन के समीप बॉक्साइट डंप यार्ड का भूमि पूजन राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, हिंडलाको खान प्रभाग के एनजीएम बीके झा और यूनियन के अध्यक्ष उदय गुप्ता ने किया। इस दौरान बड़की चापी पंचायत के मुखिया, उप प्रमुख और जिला परिषद के नव निर्वाचित सदस्यों को राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने अभिनंदन किया। वहीं भूमि पूजन झारखंड संस्कृति से गांव के पाहन गंगा मुंडा और पुजारी भोगन मुंडा ने किया। इस मौके पर हिंडलाको के जीएम विनय झा ने बताया कि बॉक्साइट डंपिया जल्द ही लोहरदगा से होकर चापी से शुरू होगा, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने बॉक्साइट डंपयार्ड के चांपी में खोले जाने का स्वागत किया और बॉक्साइट डंपयार्ड में शुरू होने से स्थानीय ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर होगा और चाहते हैं कि जो भी जैसे लोहरदगा में जो भी लोग बेरोजगार होंगे अगर चाहे अगर यहाँ पर काम करना तो उनके लिए दरवाज़ा खुला है और इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि उन लोगों को भी कुछ यहाँ पर समायोजित किया जाएगा और हम चाहते हैं कि यूनियन जो है हमारा यूनियन है इंटेक यूनियन विशेष तौर पर इस मामले में ध्यान देगी। ये अभी प्रक्रिया है रेलवे का जो सीटीओ और अदर क्लियरेंसेज गवर्नमेंट क्लियरेंसेज ले लिया जाएगा उसके बाद जितना जल्दी हो ये क्लियरेंस मिल जाता है तो काम स्टार्ट हो जाएगा। तो स्थानीय लोगों को ही यहाँ पे दिया जाएगा और जो भी रोजगार यहाँ पे सृजन होंगे उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। सर जो लोहरदगा में अभी तत्काल डंपिंग यार्ड है वहाँ कब से काम बंद नहीं करते? वहाँ पे तो रोबे का मटेरियल आता रहेगा जो सब जाता रहेगा। यहाँ पे जब स्टार्ट हो जाएगा तो स्वतः वहाँ सभी ट्रकें यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रक का परिचालन जो लोहरदगा डंपिंग में है जैसे कि एमओईएफ और सीपीसीबी या जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गाइडलाइन है तो उस हिसाब से यहाँ पे काम आरम्भ हो जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।